हे गाइज ऑलराइट। सो आप लोगों का बहुत दिनों से एक कमेंट हमारे हर वीडियो में आ रहा था कि भाई फेस स्मूथ कैसे करते हैं, इसका एक ट्यूटोरियल बनाओ। तो गाइज फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप बिल्कुल ही प्रोफेशनली अपने फोटो में फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो, वो भी बिना फोटोशॉप का यूज किए। क्योंकि अगर प्रोफेशनली अगर फेस को स्मूथ करना है तो गाइज फोटोशॉप सबसे बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा फोटोशॉप सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप अपनी फोन में ही कैसे फेस को प्रोफेशनली स्मूथ कर सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एक एप्लीकेशन आता है ऑटोडेस्क स्केचबुक, तो इसी ऐप के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फोटो में फेस को स्मूथ कर सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनली। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बता दें इस चैनल पर इसी तरह की कमाल कमाल के एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आर्या, आप देख रहे हो आर्या। सो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले गाइस हम गैलरी से अपनी फोटो को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमको एडिट करना है, मतलब कि जिसका फेस स्मूथ करना है। ठीक है, आप कोई सा भी फोटो ले लेना जिसका आपको अपने फेस को स्मूथ करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर हमें इस फोटो का स्मूथ करना है फेस, आप लोग देख पा रहे हो कि फेस कितनी ज़्यादा रफनेस है फेस में, मतलब फेस बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ से हम इस फोटो को शेयर करके ओपन कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में। ठीक है, तो ये ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप है, मैं इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस ऐप के अंदर आने के बाद देखो गाइस ये क्या है कि स्क्रीन रोटेट इसमें नहीं हो सकता। ये ऐप का फीचर ही है ऐसा कि इसमें स्क्रीन रोटेशन जो है अलाउ नहीं होता, तो इसके कारण आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा वीडियो। तो एडजस्ट करके आप देख लीजिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर। तो गाइज आपको यहाँ से थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है जहाँ के पेंसिल का आपको टूल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के अंदर आ जाना है एंड यहाँ से आपको स्मर्ज वाले कैटेगरी के अंदर चलना है। यहाँ पे आपको ब्रशेस की बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी, आपको यहाँ से स्मर्ज वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है एंड आपको ये वाला ब्रश ले लेना है। ठीक है, ये सेकेंड वाला जो ब्रश है गाइज ये आपको ले लेना है एंड उसके बाद सेटिंग पे जाना है। इसको कम कर देता हूँ, ये आपको मैनेज करना है गाइज, ये आपको खुद से ही सेट करके उसके बाद ही करना है। तो मैं इसको 2% कर देता हूँ एंड यहाँ से फ्लो को मैं 1% कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो फ्लो 1 और स्ट्रेंथ 2 हमने कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको फेस पे घिसना है। ठीक है, तो इसकी साइज़ को मैं थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो ऐसे करके। तो साइज़ इंक्रीज करके आपको पूरे फेस पे कुछ इस तरीके से गाइज चला देने हैं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि कितना प्रोफेशनली यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है। तो आपको एक सर्किल सर्किल सा ऐसा करके गाइज फेस को स्मूथ करना है, इससे क्या होगा कि आपकी फेस बहुत ही प्रॉपरली स्मूथ होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइनिंग से अगर आप फेस पे जैसा शेप बना हुआ अगर आप वैसे करोगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे इधर उधर से खींच दोगे तो आपकी फेस बिल्कुल ही नकली लगने लगेगी। ठीक है, तो आपको राउंड राउंड सा शेप में ऐसे घुमाना है ताकि आपकी फेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे फेस पे कुछ काला धब्बा सा बीच में आ जाएगा, तो वो ठीक करने के लिए आपको जहाँ पे वाइट मतलब एरिया होगा वहाँ से आपको खींच कर ऐसे ला देना है। ठीक है, जैसे आप इस पे ला दोगे ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी ब्लैक ब्लैक सा बना हुआ था वो फिक्स हो गया एंड ये जो ज़्यादा वाइट हो गया उस पर हम ब्लैक वाले पार्ट से ऊपर की ओर इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फेस आप लोग देख पा रहे हो ऊपर का कितना मस्त फिक्स हो गया। वैसे यहाँ पे हम पूरे फेस को स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं ब्रश को बस ऐसे चला रहा हूँ जैसे आपको मतलब मैं बता रहा हूँ सेम आपको वैसे ही चलाने हैं, मतलब कि ऐसा आपको राउंड राउंड सा घुमाना है। ठीक है, मतलब एक जगह उंगली आपको रखना है और इस तरीके से घुमाना है, छोटा सा एक सर्किल बनाना है आपको बीच बीच में, तो वैसे आपकी फ़ोटो में फेस बिल्कुल ही प्रोफेशनली स्मूथ होगा। साइज़ को आप घटाते बढ़ाते रहना, अगर आप साइज़ एक ही जैसा रखोगे तो आपकी फेस मतलब डुप्लीकेट लगने लगेगी, इधर उधर से घिस जाएगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से ऐसा आपको स्मूथ कर लेना है। बहुत दिनों से गाइज आप लोगों का कमेंट मतलब आ रहा था कि फेस स्मूथ बहुत सिंपल है गाइज, फेस स्मूथ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग उसको पूरा कार्टून बना देते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फेस के अंदर डिटेल कैसे डालना है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या क्लिक हो जा रहा है, तो फेस के अंदर मैं डिटेल डालना भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। यहाँ से मैं पहले फेस को अच्छे से स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, तो फेस की देखो गाइस जिस तरीके से स्ट्रक्चर होगा अगर आप उस तरीके से ही घुमाओगे ब्रश को तो ज़्यादा अच्छे से आपका फेस जो है स्मूथ होगा। ठीक है, तो
अब आप लोग देख पा रहे हो गाइस कि हमने पूरा फेस जो है स्मूथ कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ बिफोर आफ्टर दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अलग से लेयर नहीं लिया था। तो आप लोग देख पा रहे हो कितना मस्त यहाँ पे फेस स्मूथ हो गया। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर डालने के लिए, फेस का स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा यहाँ पे चला गया, तो इसको करने के लिए हम इस थ्री डॉट की आइकॉन पे क्लिक करेंगे। शेयर बटन पे क्लिक करके इसको पहले हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। आप सेव टू डिवाइस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। तो मैं पहले इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव कर लेने के बाद आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस में मतलब क्या करना है। ये फोटो गाइज मैं यहाँ पर डाउनलोड में ही सेव कर लेता हूँ। फोटो सेव हो जाने के बाद गाइज अब आपको लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन करना है, ठीक है। लाइटरूम के अंदर तो हम रोटेट कर ही सकते हैं स्क्रीन को, तो हम कर लेते हैं। लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइज हमने इस फोटो को ऐड कर लिया जिसका हमने फेस स्मूथ किया था, ये वाला फोटो। तो गाइज फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे डालना है, अगर हाँ गाइज अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए ये वाले फोटो का, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका ट्यूटोरियल लाएं कि इस फोटो को हमने कैसे एडिट किया है। आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि कितना मस्त यहाँ पे ये फोटो लग रहा है। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ कि फेस कैसे स्मूथ करना है, ठीक है। फेस स्मूथ करना है यहाँ पे हमने बता दिया आपको, लेकिन अब फेस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे डालना है, डिटेल कैसे डालना है, वो जानने के लिए आप देखिए इस वीडियो को। यहाँ पे गाइज आपको एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये आपको देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल सा शेप बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ से शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, डिटेल्स भी इंक्रीज कर देना है। एंड यहाँ पे आपको ये वाले इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ आपको सबसे नीचे मिलेगी, यहाँ पे मतलब सबसे नीचे नहीं थर्ड लास्ट नंबर पे ग्रेन अमाउंट। तो ग्रेन अमाउंट का आपको लगभग यहाँ से 6 to 8 के आसपास आपको रखना है। मैं यहाँ से इसको 7 कर लेता हूँ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी फेस में स्ट्रक्चर भी आ गया है, जो कि कितना मस्त यहाँ पर लग रहा है। तो फेस के अंदर स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ग्रेन अमाउंट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड यहाँ से थोड़ा सा इस टेक्सचर को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। टेक्सचर को हमने ऐड कर दिया, देन उसके बाद यहाँ शार्पनिंग को भी बढ़ा देना है आपको। तो यहाँ से गाइस ये 3-4 काम आपको कर लेने हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो गाइस फेस में कि ये बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर, मतलब कि फेस के अंदर स्ट्रक्चर आप ऐसे ला सकते हो और फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता ही दिया। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका मतलब जो भी अगर बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर मैं एक नया डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो मैं रिप्लाई करके ही बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।